पिछले कई हफ्तों से देश के विभिन्न हिस्सों में खासकर उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ी है। हालांकि अब मौसम विभाग ने राहत की जानकारी देते हुए बताया है कि हीट वेव से लंबे समय तक जूझने वाले राज्यों में तापमान गिरने वाला है। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत बारिश की संभावना जताई गई है। तेज आंधी हवाओं के चलने से भी मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी आएगी। मौसम विभाग IMD के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब जैसे राज्यों में 3 और 4 मई को तेज आंधी आने की और बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का मौसम होगा। उधर राजस्थान में भी कई इलाकों में आंधी आने की संभावनाएं जारी हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर में 5 मई के आसपास लो प्रेशर वाला क्षेत्र बनेगा। इसके चलते नॉर्थ ईस्ट इलाके में 4 मई तक बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले 2 दिनों में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा 3 मई को जम्मू और कश्मीर में और 3 और 4 मई को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग ओलावृष्टि भी हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हुई है। IMD ने बताया कि राज्य के पश्चिम हिस्सों में अलग अलग इलाकों में हीट वेव की स्थिति हुई, जबकि गरज और धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति देखी गई है। इसके अलावा 4 मई और 5 मई को भी राज्यों के अलग अलग स्थानों पर बहुत हल्की सी बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।